कि जहां तटबंध निर्माण की बात होती है तो उस निर्माण से जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी मनसा को निश्चित रूप से हम जाने। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना चाहिए वो काम होने से पहले। यदि उसमें सारे निगेटिव पॉइंट आते हैं तो वो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो प्रावधान है 2006 के, उसके तहत आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस करवा सकते हैं वो प्रोजेक्ट का। जहां तक ये तटबंधों की बात है, जब मैं गंगा के अंदर गया हूँ वहां पर कैटेस्ट्रॉफी, वहां पर नदी को बांधने की कोशिश की है लेकिन उसके बाद में जब मीएंडर करती है उस तटबंध के बाद में बहुत ज्यादा गांवों को निकल और वो तटबंध टूटते हैं और फिर ये रिपेयर करते हैं और उसके बाद में टूटते हैं। और इन तटबंधों के कारण जो बाढ़ का पानी ऊपर से आता है वापस उस रिवर से ड्रेन ही नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर तटबंध दूषित हो सकता है। इनकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको मैं आंखों से देख चुका हूँ। इस तटबंध वाले मसले को वाकई में जो आज मिल रहा है लेकिन दवा खाने के बाद 400 रुपए घंटे से वो ऑक्सीजन मिलता है, तो इसके लिए जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जितने अभी महाराष्ट्र में अभी हम हमारे पैसे से 3 कोटी पौधे 15 जून से अप्रैल से 30 जून तक लगाने का हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा कम से कम 5-1 कोटी तो भी सीडलिंग जाएगा, बीज जाएगा और वो देने के लिए तैयार है। अभी महाराष्ट्र शासन से भी अभी बहुत फोन आने लगे। अगर आप पेड़ लगाओगे तो पानी ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा आएगा जो कुछ गटर गिटर जो कुछ है सब बह जाएंगे। कोई भी अतिक्रमण करो कुछ भी करो वो सब उसको निसर्ग ही उसको हिसाब देगा, वो निसर्ग ही इसका हिसाब करेगा। तो हम हिसाब करने वाले नहीं है। अभी हम जो अगर चौकी पड़े हुए इतने आदमी काम कर सकते तो आप इतने पड़े बड़े हुए इतने उम्र के वो लोग हुए आज तक तो चुप बैठे और आज उनको आज पानी दिखने लग गए। इतने दिन क्या कर रहे थे आप और आप बेच रहे थे, अभी तक पैसे का लालच नहीं छूट गया आपका, आप पैसे के पीछे दौड़ रहे। अभी मैं चौथी और 165 रुपए में बिजनेस चालू कर दिया है और महाराष्ट्र में जितने स्कूल है उतने स्कूल के लिए मैं सीट जो है वो फ्री में दे रहा है। अभी हमारे 4-5 कंसर्न भी है कि खैर का झाड़ 35 साल का होगा तो एक झाड़ से 15 साल के बाद कम से कम 5 से 10 किलो उसमें से घर निकलेगा और वो घर निकलेगा तो आज की कीमत है, आज की कीमत 40,000 से 80,000 रूपये कीमत हो गई। तो उस टाइम कितनी हो गई वो नहीं बोल सकता लेकिन आज भी अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर के जाएंगे तो उनके पास से कोटेशन लेंगे तो 8,000 रूपये किलो और उसके ऊपर 30% टैक्स बोले तो 11,000 रूपये से वो चंदन का लाकड़ आज जाता है। तो वो भांडवल जो है खाली उसको कुछ नहीं, हम तो पैसा नहीं लेते कुछ नहीं, खाली आपका टाइम निकालने का है उसको कुछ खाना पीना एक साल अगर आप दबा लेंगे तो उसको खाली दिन में एक बार देखने का वो सही जगह पे उसको कोई तकलीफ नहीं देता वो उसका वो काम करता है। अभी हम पूरे महाराष्ट्र में जितने जेल है वहां हमने प्लान लिए थे 6-6 इंच के तो आज हम 2 साल के बाद गए तो वो पेड़ हो गए 10 फुट के हाइट के हो गए और पूरे महाराष्ट्र में अभी हमने देखा। और दूसरा है नरक्या लाकूड, नरक्या लाकूड का क्या रहता है कि वो एक ट्रक लाकूड की कीमत 3 से 3.5 कोटी रुपए है तो वो भी बीज हम 500 किलो दे रहे और चंदन का बीज हम 1 टन फ्री में दे रहे, किसी के पास से पैसा नहीं, आने जाने का भी हम पैसा नहीं लेंगे, उसके यार पानी दिया तो पिएंगे वो भी फुकट में से इतने नहीं तो उसके पास खाना भी नहीं खाएंगे। वो जब होगा और गवर्नमेंट की कितनी वैल्यूएशन बढ़ेगा कितना पैसा बढ़ेगा उसका हिसाब नहीं और वो बच्चे जब काम धंधे पे लगेगा तो वो बिना टेंशन के काम धंधा करेंगे और वो उनका इंतजाम कर सकेंगे। बाकी ये सब राजेंद्र भाई बोल देंगे।